हेलो बच्चों, आज अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? तो लेट अस सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चों ध्यान देना, जैसे यहाँ पर कोई एक मास ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट है, इससे आर दूरी पर इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है या नहीं है, इसे हम अपने आंखों से देख कर नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरे मास की जरूरत होती है, स्मॉल एम मास की, जिसे हम कहीं से ला करके यहाँ पर रखते हैं। मान लेते हैं बच्चे लोग यहाँ कहीं बहुत दूर जा करके इन्फिनिटी है, और यहाँ से इस स्मॉल एम मास को ला करके ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट पर रख रहे हैं, तो क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क। तो इन्फिनिटी से किसी मास ऑब्जेक्ट को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ला कर रखने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्क डन ही, ठीक है, जितना भी वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन अपान में वो मास जिसे लाया गया, वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या देता, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देता है इस सोर्स मास का। क्लियर है बच्चों? तो आइए देखते हैं, पहले तो हम डेफिनेशन समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। तो हम कहते हैं द वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ प्लेस इन साइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हम लिखते हैं बच्चों, ध्यान देना है, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन साइड The gravitational field inside the gravitational field is called gravitational potential at that point. उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। दैट इज बेसिक फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, V इक्वल टू W from infinity to a point P upon वो मास जिसे लाया गया। क्लियर है? This is basic formula according to definition. इसके यूनिट की बात करें तो जूल पर केजी आता है बच्चों। क्या आता है? जूल पर केजी। Got my point? इसलिए हम इसका एक और एक्सप्रेशन आएगा, V equal to minus GM upon R. क्लियर है बच्चों? तो इसे हम डिराइव कैसे करेंगे, लेट अस सी। हम हेडिंग डालते हैं प्रूफ, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए हम बच्चों यहाँ पर लेते हैं कोई एक मास कैपिटल एम, और इसके कारण इससे आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कहीं दूर जा करके इन्फिनिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? और यहाँ से हम स्मॉल एम मास को लेते हैं और ला करके यहाँ किसी एक पॉइंट सपोज दैट ए पर रख देते हैं इस मास स्मॉल एम को, जिसकी यहां से दूरी क्या है बच्चा लोग, एक्स है। कितनी है? एक्स है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप देखेंगे, जैसे इस मास को यहां पर रखेंगे इस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स इसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब इसे हम छोटा सा डिस्प्लेस करा करके बी पॉइंट पर लाते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं डी एक्स। कितना ले लेते हैं? डी एक्स। तो पहले इस स्मॉल डी एक्स की करेस्पॉन्डिंग हम स्मॉल वर्क निकालेंगे डी डब्ल्यू, फिर इन्फिनिटी से हम पी तक के लिए टोटल वर्क निकालेंगे, फिर हम मास से डिवाइड करेंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एट स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम एट पॉइंट ए, क्या लगेगा फॉर्मूला, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, बोले तो एक्स स्क्वायर न्यूटन, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब हम लिखेंगे नाउ स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स दैट इज फ्रॉम ए टू बी। तो डी डब्ल्यू कैसे आएगा बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप देख पा रहे हैं फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है ए से बी की तरफ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों, ये हो जाएगा जी एम एम अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। क्लियर है बच्चों?
अब हम लिखते हैं नाउ टोटल वर्क डन टू ब्रिंग एम मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, क्लियर है? तो W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और डी डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई जी एम एम अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉन्स्टेंट हमको बाहर करते बच्चे लोग, तो जी एम एम किया बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया बच्चों, क्या आ गया वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया जी एम एम वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस वन अपान एक्स, लिमिट लगा दी हमने इन्फिनिटी टू आर। कैसे आया ये इंटीग्रेशन एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे बच्चों सब लोग, क्योंकि ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स का होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स निकालना है, कहा भैया आ रहा समझ के नहीं आ रहा है, तो इसको क्या लिख पाओगे, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स हो गया, आया कि नहीं आया हो, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, क्या आ जाएगी औकात एक्स की पावर माइनस वन अपान माइनस वन, तो माइनस वन तो ऐसे रहने, तो इसको नीचे ले जाओ वन अपान एक्स आ गया, वही औकात यहाँ रख दिया। बोलो समझ आया बच्चे लोग, क्लियर है? तो ध्यान आगे ध्यान देते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा जी एम एम, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, एक बार वेरिएबल के प्लेस पर अपर लिमिट लगाते हैं, ओवरऑल माइनस लगा करके लोअर लिमिट लगाते हैं, तो माइनस वन अपान आर और माइनस माइनस प्लस वन अपान इन्फिनिटी क्या बन जाता है जीरो, तो ये बचेगा। तो देखो बच्चों क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, अब आपके पास आ गया डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जी एम एम अपान आर आ गया, ये आ गया वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। अब हम लिख सकते हैं नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, तो माइनस जी एम एम अपान आर और अपान एम, एम से एम निपटा लो भैया धीरे से, तो v इक्वल टू क्या आ गया माइनस जी एम अपान आर, दिस इज द पोटेंशियल। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, इतना जूल पर केजी, क्लियर है? माइनस साइन यहाँ पर ये बताता बच्चों कि किसी भी मास ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में अपन को वर्क करना नहीं पड़ता, बट हो जाता है, क्या होता है हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बोलो समझ आ गया बच्चों, क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ध्यान देना है, हमने बात करी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसी से इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं इसी में कवर कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, किसी भी मास ऑब्जेक्ट्स को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाकर रख करके एक सिस्टम बनाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, वो वर्क डन ही उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान देना है, इसी में हम क्या करते हैं, ये पूरा काम एज इट इज करते हैं हम लोग डेरिवेशन के तौर पर, बस हम जो ये वर्क डन कैलकुलेट किए हैं ना, ये जो डब्ल्यू आया है, इसी को हम क्या कह लेते हैं, अगर मान लो दो मास सिस्टम हम बना रहे हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम का, तो यही जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू, दैट इज वी कैन राइट हियर यू इक्वल टू डब्ल्यू मीन्स यू इक्वल टू माइनस जी एम एम अपान आर, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड यूनिट रिमेन्स जूल। क्लियर है बच्चे लोग? अब अगर दो मास सिस्टम का आप बनाना चाहते हैं, M1 और M2 को ला करके R दूरी पर रख करके एक सिस्टम AB बनाना चाहते हैं, तो इस AB सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी बच्चे लोग, माइनस जी एम वन एम टू एम वन एम टू अपॉन आर। क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? तो ये आ गया टू पार्टिकल सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी सीक्वेंस में अगर हम थ्री पार्टिकल सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें बच्चों लोग, तो जरा ध्यान देंगे कैसे निकालते हैं, लेट अस सी।
हाउ वी कैन फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम। बच्चों अगर आपको टू पार्टिकल सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने आ गया है देन इजीली यू कैन फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम, फोर पार्टिकल सिस्टम, फाइव पार्टिकल सिस्टम एंड सो ऑन एन पार्टिकल सिस्टम। आप कितने भी पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको टू पार्टिकल सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने आ गया है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान देना है, ये था हमारा टू पार्टिकल सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं थ्री पार्टिकल सिस्टम। अगर थ्री पार्टिकल सिस्टम है तो कैसे निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ध्यान देना बच्चों, जैसे हमने मान लिया आपके पास तीन पार्टिकल्स हैं ए बी सी पर रखे हुए, यहाँ पर एम वन है, यहाँ एम टू है और यहाँ पर एम थ्री है। मान लेते हैं एम वन एम टू के बीच का गैप आर वन टू है और एम टू एम थ्री के बीच का गैप मान लेते हैं आर टू थ्री है। इसी तरह से सी और ए के बीच का गैप आर थ्री वन है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी बच्चों? स्टूडेंट्स बी कॉन्फिडेंट टू नो, आपको ये पता होना चाहिए जब भी आपको किसी सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। आप अधिकतम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स को सर्च आउट करिए, मतलब दो दो पार्टिकल्स के कितने मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो आप सर्च करिए और हर पेयर की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके आपस में क्लब कर दीजिए, एड ऑन कर दीजिए, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं करना है। यू विल गेट द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो लेट अस डू द सेम। हम पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं यू वन है, इसकी यू टू है और इसकी यू थ्री है। तो लेट अस सी बच्चों यू कैसे आएगा। यह आएगा यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस एंड सो ऑन। तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू प्लस माइनस अगेन माइनस जी एम टू एम थ्री अपॉन आर टू थ्री प्लस माइनस अगेन माइनस जी एम थ्री एम वन अपॉन आर थ्री वन। ओके बच्चे लो, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? हम यहीं पर बात कर लेते हैं लगे हाथ बच्चों फोर पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे। तो हम मान लेते हैं बच्चों यहां पर अपने पास ऐसे फोर पार्टिकल सिस्टम ले लेते हैं, कोई भी स्क्वायर शेप में हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डजंट मैटर। मान लेते हैं बच्चों यहां पर एम वन मास है, यहां पर एम टू है, यहां पर एम थ्री है, यहां पर एम फोर है। ये मान लेते हैं आर वन टू है, ये आर टू थ्री है, ये आर थ्री वन है और ये आर फोर वन है। क्लियर है? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर सर्च करते हैं बच्चों। तो क्या होता है, देखो एक पॉसिबल पेयर तो ये हो गया, चलो नॉमिनेट कर लेते हैं ए बी हो गया, दूसरा पॉसिबल पेयर बी सी हो गया, तीसरा पॉसिबल पेयर सी डी हो गया, चौथा पॉसिबल पेयर सी और ए हो गया, सॉरी सी था ये डी है बच्चों। तो अगला हो गया डी। क्या यही चार पॉसिबल पेयर्स नजर आ रहे हैं बच्चे लोग? याद करिए वो पॉइंट जो मैंने अभी बताया था वन सेकेंड पहले, यू हैव टू सर्च आउट मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स। आपको अधिकतम पॉसिबल पेयर सर्च आउट करना है बच्चों। ये तो है ही है चार पेयर, अदर देन दिस क्या है, देखो एक तो ये ए सी भी हो जाएगा और एक ये बी डी भी पेयर हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो हमें क्या करना है, हर की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके अलग अलग सबको एड ऑन कर लेना है। तो देखो कैसे आ जाएगा नेट पोटेंशियल एनर्जी, कैसे आएगा बच्चों, यू इक्वल टू यू फॉर पेयर ए बी प्लस यू फॉर पेयर बी सी प्लस यू फॉर पेयर सी डी प्लस यू फॉर पेयर डी ए प्लस यू फॉर पेयर ए सी प्लस यू फॉर पेयर बी डी। गॉट माई पॉइंट? सबको एड कर लेना बच्चों। तो यू इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपान आर वन टू प्लस माइनस माइनस जी एम टू एम थ्री अपान आर टू थ्री प्लस माइनस अगेन माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, जी एम थ्री एम फोर अपान आर थ्री, आर थ्री फोर लिखना चाहिए बच्चों यहाँ पर, आर थ्री फोर, तो आर थ्री फोर हो गया प्लस माइनस माइनस, फिर ये आ जाएगा जी एम फोर एम वन
अपान आर फोर वन, फिर क्या करेंगे बच्चों, प्लस माइनस माइनस जी एम वन एम थ्री हो जाएगा अपान, इस डिस्टेंस को हम आर वन थ्री लिखते हैं, तो आर वन थ्री हो गया प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा जी एम टू एम फोर डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस को हम आर टू फोर लिखते हैं, तो ये हो जाता है आर टू फोर। दस वी कैन हैव द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम हैविंग फोर पार्टिकल्स, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको चीजें अच्छे से समझ में आई हो, तो आपको क्या करना है, नथिंग टू डू, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कमेंट भी बोला।